आखिर खान ने अपनी दिल की बातें शिव ठाकरे और एमसी स्टैन के साथ की और वहीं पर एमसी स्टैन और शिव ठाकरे ने भी भाइयों की तरह उनको एक वादा दिया। चलिए आप लोगों को बताते हैं एक प्यारी सी अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस सुम्बुल, एमसी स्टैन, निमृत और शिव जो है जहां पर स्टोर रूम है वहां पर बैठे होते हैं, जहां पर सुम्बुल पहले काफी ज्यादा मस्ती कर रही होती है और फिर उसके बाद वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है क्योंकि उनको अपनी दिल की बातें जो है शिव ठाकरे के साथ और अपने पूरे ग्रुप के साथ वो करनी है। उनके मन में जो है काफी ज्यादा एक डर बैठ गया है, जहां पर वो बोलती है शिव ठाकरे और एमसी स्टैन को, भाई मुझे तुमसे ना मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है, सीरियस बात करनी है। जहां पर एमसी स्टैन और शिव ठाकरे सुम्बुल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर फिर भी जो है सुम्बुल का चेहरा देख के जो है शिव ठाकरे बोलते हैं कि हाँ हाँ चल सॉरी, चल बता तुझे क्या बात करनी है। जहां पर सीरियस तरीके से ये दोनों बैठ के जो है सुम्बुल की बात सुनते हैं, जहां पर सुम्बुल बोलती है कि देखो मेरा वहां पर एक रिश्ता था जो कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी शिव शालिन और टीना के साथ, पर वो मेरे पीठ पीछे काफी सारी ऐसी चीजें करते थे जो कि वो अच्छी दोस्ती बहुत ही गंदे से टूटी। अभी मेरे मन में एक डर है कि तुम लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा प्यार है हम सब लोगों में, हम भाई बहन के जैसा जो है एक दूसरे को देखते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं, तो ये दोस्ती भी मेरी टूट ना जाए, ये डर है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जहां पर शिव ठाकरे बोलते हैं कि देख तूने सीरियस तरीके से बोला, मैं भी सीरियस तरीके से ही जवाब दूंगा, ये एक गेम है और तू हमारी बहन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग तुझे ट्रॉफी दे देंगे, तू हमारी बहन है, तुझे नॉमिनेट नहीं करेंगे, पर हाँ हम वो सब चीजें करेंगे, गेम खेलनी है, पर हमारा जो रिश्ता बना है बहन भाई का वो कभी नहीं टूटेगा, जब भी तुझे हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर तेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। शिव ठाकरे ने ये बातें जो है सुम्बुल को बोली जो कि मुझे काफी ज्यादा दिल को छू गई, तो ऑफकोर्स सुम्बुल के भी दिल को छुई होगी और ऑफकोर्स आपके भी दिल को छुई होगी। तो बताइए जरूर आपके विचार। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।